मैं कुलदीप कुमार खेड़िया, डायरेक्टर ऑफ माँ चंडी दुर्गा सीमेंट लिमिटेड। यहाँ पर जो प्लांट हम लोगों ने सेटअप किया 1000 मेट्रिक टन का, और इसका जो होल्टेक से हमारा रिपोर्ट बना है, टीवी रिपोर्ट जो बनाए हैं, वो 1 मिलियन टन के हिसाब से पूरा सेटअप बैठाया हुआ है इसके अंदर में, जो कि खाली थोड़ा सा मिनिमम कॉस्ट इन्वेस्ट करने से ये प्लांट 1 मिलियन टन का हो जाएगा। हैंडलिंग सिस्टम वगैरह जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है, जो रोड्स हैं और जो भी वेवरीज है, सब 1 मिलियन टन के हिसाब से इसमें होल्टेक ने डिज़ाइन किया है, और उसी हिसाब से हम लोगों ने इस चीज़ को सेटअप किया है। अब खाली थोड़ा फर्दर इन्वेस्टमेंट करने से ये प्लांट 1 मिलियन टन तक का हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट में हमने एप्लीकेशन डाला हुआ है कि 1 मिलियन टन का प्लांट के लिए जो आपका प्रोसेस है, पोल्यूशन का जो प्रोसेस है, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है, तो अभी वो हियरिंग में है, और उसके अंदर में मेरे को लगता है कि मार्च तक वो पोल्यूशन का जो भी कागज है वो भी निकल जाएगा, तो फिर हम लोग उसके अंदर में फर्दर एक्सपेंशन करके उसको 1 मिलियन टन तक का ले जाने का हमारा प्रोग्राम है। माँ चंडी दुर्गा सीमेंट लिमिटेड, टीवी रिपोर्ट जो होल्टेक से बना था वो जनवरी 2007 के अंदर में, उसका टोटल हम लोगों का विजन यही था कि 1 मिलियन टन का प्लांट को फुल फ्लेज सेटअप करना है, ग्राइंडिंग मिल को ग्राइंडिंग मिल अभी 2 लगा हुआ यहाँ पर, उसके अंदर में सेटअप करने के लिए फर्दर हमारा एक्सपेंशन प्लान इनिशियल स्टेज में ऐड कर दिया गया है, ताकि जो इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन के लिए था उसमें मेजर पार्ट हमने कवर किया हुआ है, और पार्टली अभी कवर करना बाकी है, उसमें फर्दर मिल वगैरह लगाना है, करना है, वो सब बाकी है। प्लांट का क्वालिटी के हिसाब से बहुत कंपनियों ने विजिट किया है यहाँ पर, रिलायंस इंडस्ट्री ने पूरा कंपनी को पूरा सर्वे करके मैकेनिकल मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल और जो भी साइट का एरिया है उसको देखने के बाद में फिर इंस्पेक्शन लेवल में लाके और हमको अप्रूवल दिया कि भाई प्लांट को हम आपके इसमें टाई अप करते हैं, और मिस्टर पाठक वहाँ पर जो CEO थे उन्होंने दो बार प्लांट को विजिट किया, उसके बाद में उन्होंने हमसे काम किया, और उसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्री के बाद में हम लोगों ने स्टार सीमेंट जो काफ़ी सेटिस्फेक्शन थे, तो स्टार सीमेंट से हम लोग उनका काम खत्म होने के बाद में स्टार सीमेंट से हम लोग जुड़ गए। स्टार सीमेंट का काम 3 साल चला पहले, फर्दर फर्स्ट जो हमारा एग्रीमेंट था वो 3 साल के लिए था, वो चलने के बाद हम हमारे काम से काफ़ी सेटिस्फाइड थे, फिर उन्होंने फर्दर हमको 2 साल का एक्सटेंशन दिया, और फिर तीसरी बार भी एक्सटेंशन का बात चल रहा है, और हमारा सरकार के अंदर में अभी पोल्यूशन के लिए 1 मिलियन टन तक के लिए जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हमने सबमिट कर दिया है, और हमको लगता है मार्च 2020 तक या 30 जून तक पूरा कागज़ निकल जाएगा विथ अप्रूवल ऑफ 1 मिलियन टन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट। माँ चंडी दुर्गा सीमेंट लिमिटेड जो प्लांट हमने यहाँ पर सेटअप किया, और 2012 के अंदर में जो कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन लाया, इसके पीछे कुछ हमारे विजन थे जो कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है, जैसे यहाँ पर स्लैग लोकल एरिया में स्टील प्लांट्स हैं तो स्लैग BF ग्रेनुलेटेड स्लैग काफ़ी निकलता है, तो उसका हमको लोकेशनल एडवांटेज है। यहाँ पर फ्लाइज बहुत बनता है क्योंकि यहाँ पर पावर प्लांट्स बहुत हैं, तो उस कारण से हमको रॉ मटेरियल काफ़ी सस्ता मिलता है, उसी को लेकर के हम लोगों ने चला था, उसके बाद में उसका बेनिफिट भी कंपनी को मिला। यहाँ के प्लांट के अंदर में जो लोकेशनल एडवांटेज यहाँ पर प्लांट वाले को मिलता है, कॉस्टिंग वाइज लो कॉस्ट में काम होता है, क्योंकि जैसे कि आपका यहाँ पर रेलवे साइडिंग 7-8 किलोमीटर दूर पड़ती है, जिसके अंदर में हमेशा लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी 24 आवर अवेलेबल है, हाईवे के ऊपर प्लांट है, और दुर्गापुर एक प्रोमिनेंट जगह है जहाँ पर हर लोकेशन के अंदर में गाड़ी का मूवमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ से झारखंड, बिहार, बंगाल, कलकत्ता कहीं भी गाड़ी ले जानी हो तो सेंटर पॉइंट है ये। यहाँ पर रेल का फैसिलिटी भी है और रोड का फैसिलिटी भी है, और दोनों चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। रोड के अंदर में गाड़ियाँ अवेलेबल है क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और रेल के अंदर में दिन में 6 घंटे 7 घंटे माल लोडिंग अनलोडिंग चलता है, तो उसके भी बहुत बड़ी स्कोप है, और यहाँ से पोर्ट भी बहुत नज़दीक है, तो यहाँ से और भी कोई फर्दर भी कोई अगर माल कहीं जाना हो तो उसका भी स्कोप यहाँ पर है। लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी होल्टेक कंसल्टेंसी के हिसाब से पूरा मशीन बैठा हुआ है यहाँ पर, अभी
जो अभी इस समय सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट के अंदर में जो एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस ढंग से यहाँ पर सब सेटअप बैठाया हुआ है। और यहाँ पर कोई भी क्वालिटी का जो विज़न है उसको हम लोग मेनली मेंटेन करते हैं ताकि कोई कस्टमर के पास माल जाने के बाद में कोई कंप्लेन नहीं आए। और रिलायंस का और स्टार का काम करीब 7 साल से हमने किया और कोई कंप्लेन मार्केट से नहीं है हमको। यहाँ पर हमारे पास 100 एम्प्लॉई हैं, 60 लेबर हैं और 40 तो ऑफिशियल्स हैं जो कि पूरे प्लांट को चलाते हैं। और प्लांट को हम लोगों ने 1150 टन तक पर डे में चलाया है, तो कैपेसिटी वाइज प्लांट बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज प्लांट बहुत अच्छा है और फ्यूचर का प्लानिंग के हिसाब से भी प्लांट बहुत अच्छा है, यही मेरा कहना है। हम लोग का जो भी रॉ मटेरियल आता है उसको सिक्योरिटी इन करते हैं, इसके बाद में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है कि ये स्लेग आया है, क्लिंकर आया है, जिप्सम आया है, उसका हम एनालिसिस करने के बाद में हम लोग अपना यार्ड में उस रॉ मटेरियल को खाली करने के अनुमति देते हैं और वो हमारे अनुमति के हिसाब से खाली होता है ऑर्डर के हिसाब से। इसके बाद में अपना जब मिल हम लोग को चलाना है तो क्लिंकर होपर में क्लिंकर, स्लेग होपर में स्लेग, जिप्सम होपर में जिप्सम, हम लोग शेड पॉइंट डाल करके रखते हैं कि ऐसे ऐसे अपना चलना है। इसके बाद वहाँ से अपना टनल बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट सब चालू करके मास्टर होपर में लेते हैं और मिल चालू करके अपना फुल फेज में मिल चलता है। रेशियो फिक्स करने के बाद में बना हुआ माल प्रोडक्ट स्क्रू से आपका सेलो में जाता है और सेलो के माध्यम से जब हम लोग को लोड करना है तो सर स्क्रू सब लगा हुआ है उसमें और उस हिसाब से अपना लोडिंग चलता है, फिर माल मार्केट में निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल कर आपने हमारा कंपनी का वीडियो देखा। और कोई भी ढंग की अगर किसी प्रकार की कोई आपकी जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ताकत कंपनी के पर्सनल्स जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट के कारण ही हमारा कंपनी में अच्छी अच्छी कंपनियों से हम जुड़े हुए हैं और आपसे भी आशा करते हैं कि आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम और हमारी कंपनी सबों का पर्सनल सुपरविजन रहता है और पूरी टीम के कारण आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। धन्यवाद।